हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 10 सीरीज में एक और न्यू फ़ोन यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये कोई 5G फ़ोन होने वाला नहीं है, ये एक 4G फ़ोन ही होने वाला है। इस फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो ये होने वाला है Redmi Note 10s, Redmi Note 10 5G, जो कि चाइना में लॉन्च हो गया एज वेल एज बाहर भी लॉन्च हो चुका है। वो भी इंडिया में आने वाला है, लेकिन वो एज ए पोको ब्रांडिंग के अंदर में आने वाला है, और आने वाला है पोको M3 Pro के नाम से। जी हाँ दोस्तों, रीब्रांड होके आने वाला है। लेकिन Redmi Note 10s एज ए Redmi Note 10s ही इंडिया में लॉन्च होगा। तो इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, कितने प्राइजिंग और कब तक इंडिया में लॉन्च होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो एज यूजुअल प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एज वेल एज मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस लाऊं तो आप लोगों को यहां पे अपडेट्स मिली जाए। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो ये फ़ोन होने वाला बिटवीन Redmi Note 10 एंड Redmi Note 10 Pro के बीच। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों के बीच आने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे वहाँ पे प्राइसिंग गैप भी है, और ऑब्वियसली अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन वाइज देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें अभी आपको यहाँ पे एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन 60 हर्ट्ज़ के पैनल के साथ आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्राइटनेस यहाँ पे कमाया गया है। इसमें आपको जो Redmi Note 10 में 450 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, उसी सेम ब्राइटनेस के साथ आपको देखने को मिल जाता है। वेयर इस Note 10 Pro एंड Pro Max की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 1100 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, एज वेल एज उसमें 120 हर्ट्ज़ का फर्स्ट रिफ्रेश रेट भी है, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन आपको दिया गया है, जो कि Redmi Note 10 में अवेलेबल है। कैमरास की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल जो कि नाम के यहाँ पे डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस होने वाले, और आगे की तरफ अगर आप देखोगे 13 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप रहेगी। एंड इसी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और अगर आप देखोगे टाइप सी भी दिया गया है, एज वेल एज हेडफोन जैक भी दिया गया है। एंड प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको MediaTek का Helio G95 वाला प्रोसेसर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, 12nm पे बेस्ट है MediaTek Helio G95। और अगर आप Redmi Note 10 की अगर आप बोलोगे तो उसमें स्नैपड्रैगन 678 आता है, तो ये प्रोसेसर ठीक ठाक है। एंड इसके अलावा दूसरे फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड 11 पे आने वाला, MIUI 12 पे आने वाला है, दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, 6GB 64GB एंड 4GB 64GB। और तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ठीक ही ठाक होने वाले फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखोगे Redmi Note 10 से थोड़ा सा एडवांस रहेगा, क्योंकि इसमें कैमरा इंप्रूव किया गया है, और अगर आप देखोगे इसमें बैटरी भी अच्छी है और प्रोसेसर भी 678 से अच्छा ही। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग के बारे में। तो लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है कि Redmi 10 सीरीज यहाँ पे बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या पता उसी के साथ लॉन्च हो या फिर उससे पहले भी लॉन्च हो, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये फ़ोन ज़रूर आने वाला है। मे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई महीने में लॉन्च हो जाए, मिड में या फिर एंड ऑफ द मे में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जून महीने में लॉन्च हो जाए। एंड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को कहा था कि Redmi Note 10 एंड Redmi Note 10 Pro इसकी प्राइसिंग को यहाँ पे फिलअप करना चाहिएगा। तो एज ए टोल्ड यू कि 4000 की गैप है, तो Redmi Note 10 अवेलेबल है 12000 में, और इस प्रो की अगर हम बात करें तो उसकी प्राइसिंग यहाँ पे 16000 रुपीज़। तो समवेयर ये फ़ोन आ सकता है बिटवीन 13 to 13500 के बीच, अगर इस प्राइसिंग में आया तो काफ़ी अमेजिंग रहेगा ये फ़ोन। और अगर आप देखोगे Redmi Note 10 से स्पेसिफिकेशन वाइज तो थोड़ा अच्छा ही है, लेकिन Redmi Note 10 Pro से उतना अच्छा नहीं है। तो एज ए टोल्ड यू कि ये दोनों के बीच में ही होने वाला है, और अगर 13500 में आया तो ठीक ही ठाक रहेगा। तो बाकी देखते हैं लॉन्च डेट कब होता है, कितने प्राइसिंग में आता है। तो बाकी आप लोगों की क्या थॉट्स है अबाउट दिस फोन जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।